हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैट स्टाइलर्स एन एक्सकैम ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कैविटी मिल, कंटीवर मिल और फिक्स्ड कंटीवर के। और इसमें हम देखेंगे रफिंग, सेमी फिनिशिंग और फिनिशिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं मॉडलिंग में चला जाता हूँ। मॉडलिंग में मैं आपको स्केच दिखा देता हूँ किस तरह से आपने स्केच बनाना है और उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी। तो ये है इसकी डायमेंशंस, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसमें मैंने 1 mm का ऑफसेट दे रखे, तो आप ऑफसेट देके इसकी थिकनेस जनरेट कर सकते हो और इसे रिवॉल्व कर सकते हो। रिवॉल्व भी दिखा देता हूं मैं आपको। स्केच है सर आपका, और वेक्टर आएगी। वेक्टर कौन सी आएगी आपके पास? ये जो स्केच है आपके पास, जहां से आपका पार्ट रिवॉल्व होगा। और जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका पार्ट इस तरह से रिवॉल्व होके आपको मिल जाएगा। और देन इसके बाद आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और यहां से मैं इन सभी ऑपरेशंस को डिलीट कर लेता हूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एमसीएस बहुत जरूरी है, मशीन क्वालिटी सिस्टम यहां पे सेट करना बहुत जरूरी है, वर्क पीस में पार्ट और स्टॉक डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरह से इसे सेट करना है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। सो मेन थिंग इज कि एमसीएस के अंदर आपको जेड की प्रोफाइल ध्यान में रखनी है, जेड एक्सिस आपकी अपर साइड रहनी चाहिए। ओके, देन यहाँ पे वर्क पीस चेक कर लेते हैं हम। पार्ट आपका ये वाला है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। स्टॉक भी आपको डिफाइन कर रखा है, तो स्टॉक में आपने सिलेंडर बॉक्स लेना है, आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, जैसे भी आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है। बट अभी हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, सिलेंडर बॉक्स लेके चल रहे हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें हमारे पास सेट हैं। अभी हम क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कंटीवर मिलिंग करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले कैविटी मिलिंग। तो कैविटी मिलिंग में हमें क्या करना है, रफिंग करनी है, और हमारे पास टूल जो है वो डिफाइन पड़ा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे हमारे पास टूल डाया कितना है। तो हम यहाँ पे एंड मिल लेके चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूल का नाम क्या है, मिल, मिलिंग टूल 5 पैरामीटर्स। इट मींस यहाँ पे हमने एंड मिल यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हम इसे ओके करेंगे, तो ये सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हमें फिल करनी है। आप यहाँ पे इसका टूल का डाया भी चेक कर सकते हैं, 30 mm का डाया दे रखा है यहाँ पे, और बाकी चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइक इसकी लेंथ आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, फ्लूड की लेंथ आप इंक्रीज करना चाहते हैं, फ्लूड की लेंथ आप इंक्रीज कर सकते हैं, और फ्लूड्स कितने देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 फ्लूड्स देना चाहता हूँ या 5 फ्लूड्स देना चाहता हूँ, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टूल जो है हमारे पास, देखिए इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब टूल की जो एक्सिस है वो यहाँ पे सेट हुई पड़ी है। बट इससे कोई भी आपके प्रोग्राम में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इसको जेड एक्सिस को अपर साइड ला सकते हो, अदरवाइज आपका टूल जो है एमसीएस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही डिफॉल्ट रहने देता हूँ, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जनरेट होता है या नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ से आपने मेथड अगर नहीं सिलेक्ट किया हो तो मेथड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कट पैटर्न आपने फॉलो द पार्ट रखना है, स्टेप ओवर आपने 50% रखना है टूल का, और डेप्थ पर कट कितना आ जाएगा, कॉन्स्टेंट 2 mm का डेप्थ ऑफ कट आ जाएगा। और देन सिंपली से हम जनरेट करके देखते हैं हमारे पास प्रोग्राम किस तरह से जनरेट हो रहे हैं। तो देख सकते हैं आप हमारा प्रोग्राम जो है वो जनरेट हो चुका है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से रन करेगा। तो स्पीड थोड़ी स्लो करते हैं, उसके बाद फास्ट करेंगे। ओके, 3D डायनेमिक में चले जाएंगे और देन फिर इसे स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपकी कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ी सी एनिमेशन की स्पीड इंक्रीज करते हैं। ओके, तो आप चाहो तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट जो है वो छोटा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतने ही स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे आपके। ओके ओके, तो यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं। देखिए हमारे पास जैसे ही पाथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड जो लाइन है हमारी, वो क्या शो करती है, हमारी G0 पे ट्रेवल कर रही है। इट मीन्स
जहां पे हमारी नॉन कटिंग मूव्स होती हैं वहां पे ये ट्रेवल करता है। और जो सियान कलर ये वाला आ रहा है, इसका मतलब है ये कटिंग पाथ है हमारे पास। और जो हमारे पास बिल्कुल ही ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का आ रहा है पाथ, वो क्या है, रिट्रैक्ट वैल्यू, मतलब कि टूल जो है G0 पे यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक और ऑप्शन आती है आपके पास ड्रॉ कॉर्डल की। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह की कोई प्रोफाइल आ रही है तो उसको कट करने के लिए हम ड्रॉ कॉर्डल यूज करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका पाथ किस तरह से जनरेट होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका इसका पाथ जो है वो जनरेट हो गया। तो इसको भी वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कॉर्डल भी यूज कर सकते हैं। तो इसको जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इसको भी यूज कर सकते हो, फॉलो द पार्ट, फॉलो द पेरिफेरी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पर भी आपका G0 में कम ट्रेवलिंग हो रही है वो वाला पाथ आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन आता है कंटूर एरिया का। ठीक है, कंटूर एरिया में हम करेंगे सेमी फिनिशिंग। ठीक है, देखते हैं हमारे पास सेमी फिनिशिंग किस तरह से आ रही है, और बॉल मिल लेके चलेंगे, बॉल मिल का हमें डाया कितना चाहिए वो देखते हैं। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेते हैं। और टूल चाहे तो आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम टूल का डाया पहले चेक कर लेते हैं, 5 mm का ये फिनिशिंग के लिए है हमारे पास। तो हम इसका नेक्स्ट वाला जो टूल है वो चूज कर लेते हैं, इसका डाया चेक कर लेते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, 10 mm का आ रहा है। इट मीन्स ये बिल्कुल सही है। सेमी फिनिशिंग के लिए हमने 10 mm का टूल डाय रखा है, और वो भी बॉल मिल का। कट एरिया डिफाइन करना है हमें, कट एरिया के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, फेसेस चाहिए कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ भी हम कट एरिया को डिफाइन कर रहे हैं, और आप चेक कर सकते हो यहाँ से कट एरिया जो डिफाइन किया हमने, टूल एक्सिस आपकी जेड एक्सिस में रहनी चाहिए, और इसको हम जनरेट करते हैं एज इट इज रखने के बाद। आप देख सकते हैं ये जो आपके पास पैटर्न बना है वो किस तरह से बना है, जिगजैग बना है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करके देखते हैं एक बार टूल आपका किस तरह से चलेगा। टूल जो है आपको काफी स्टेप्स छोड़ के चल रहा है, आप यहां से टूल डाया जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टॉप करने के बाद दोबारा इसमें चेंजेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पर टूल डाय कितना लेके चल रहा हूँ, मैं 20 का टूल डाय लेके चल रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होते हैं। आप देख सकते हैं ये पाथ बिल्कुल सही नहीं बन रहा है, कटिंग बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एरिया मिलिंग में, और यहां से मैं फॉलो द पेरिफेरी कर लेता हूं, और मैं यहां पे कर लेता हूं क्लाइंब कट। और यहां पे मेरे को क्या करना है, परसेंटेज ऑफ फ्लैट डाया स्टेप ओवर जो जा रहा है वो कितना चाहिए मुझे, 10% चाहिए। तो यहां से अभी देखते हैं हमारे पास टूल पाथ किस तरह से जनरेट होता है, और इसको कटिंग किस तरह से करते हैं हमारा टूल। आप देख सकते हो ये हमारा जो टूल पाथ है इस तरह से जनरेट हो रहा है, और इसको हम वेरीफाई करेंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, प्ले करेंगे एनिमेशन को। सो आप देख सकते हो इस तरह से आपके पास ये प्रोग्राम जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अभी इसने हमारे पास स्टॉक तो छोड़ दिया, हमने सेमी फिनिशिंग की है अभी, और नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा, फिक्स कंट्यूर। फिक्स कंट्यूर में हमने करनी है फिनिशिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम टूल लेके चलेंगे मिनिमम, ताकि हमारे पास, और यहां से आपको एक चीज करनी है, ड्राइव मेथड आपको एरिया मिलिंग रखना है। ठीक है, तो चाहे आप कंटिन्यू मिलिंग कर रहे हैं, चाहे फिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं, एरिया मिलिंग आपको यहाँ पे रखना है। फॉलो द पेरिफेरी रखेंगे,
और जो परसेंटेज ऑफ फ्लैट आया है इसको भी हम 5% पे लेके चलते हैं। ओके करते हैं। कट एरिया यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कट एरिया कौन कौन सा, फेसेस सिलेक्ट करेंगे, ये वाला फेस आ रहा है, ये वाला फेस आ रहा है और ये सभी फेसेस आ रहे हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, नथिंग, टूल हमने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पाथ है वो जनरेट हो गया। सो इसे हम वेरीफाई करके देखते हैं हमारे पास किस तरह से ये कटिंग करेगा। इसकी एनिमेशन को इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपके जो स्ट्रोक है वो सारा का सारा रिमूव होता दिख रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने रफिंग की, हमने सेमी फिनिशिंग की और हमने फाइनल में क्या किया, फिनिशिंग की। हमने तीन अलग अलग प्रोग्राम्स को यूज करके एक ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम कंप्लीट किया। ओके सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये तीनों प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ये वाली बैक साइड को हम किस तरह से मशीन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम चेक करेंगे इसे और इसका प्रोग्राम बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।